मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन भारी भीड़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए। रुद्राक्ष लेने की होड़ ऐसी लगी कि इसमें भगदड़ मच गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। बढ़ती भीड़ के आगे प्रशासन ने भी हार मान ली, यहां तक कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना दौरा सुरक्षा कारणों के कारण निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन देश से 10 लाख से ज़्यादा लोग वहां पहुंच गए, जिसके कारण सारे इंतजाम फेल हो गए। इधर रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने आई 3 महिलाएँ लापता हो गई, जिसकी तलाश में परिजन सहित पुलिस जुटी हुई है। कुबेश्वर धाम में भगदौड़ धक्का मुक्की के बीच महाराष्ट्र से आई एक 52 वर्षीय मंगलबाई की मौत हो गई। उसके शव को पीएम के लिए सीहोर जिला अस्पताल भेजा गया। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महोत्सव स्थल का दौरा भी निरस्त कर दिया गया है। इस वक्त महोत्सव में करीब 10 लाख लोगों के मौजूद होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ 2 लाख लोगों की हुई थी। इतनी भीड़ को देखते हुए सारे इंतजाम फेल हो गए। सुबह से हालात देखे तो कुबेरेश्वर धाम से इच्छावर रोड तक 7 किलोमीटर का लंबा जाम लगा था। सीहोर से इंदौर की तरफ हाईवे पर 17 किलोमीटर लंबा और भोपाल की ओर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्या नाम था इनका? मंगल भाई गांडेकर। कहाँ से आई थी? अच्छा, कब आए थे आप लोग? रुद्राक्ष के लिए ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।